हम और आप सभी का तंत्र रूपमाला का अध्ययन और स्वाध्याय कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला का उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण चल रहा है और इसमें आज हम जोहोत्यादि गण के अंतर्गत श्री गतौ धातु हमारे बीच में है और श्री गतौ धातु का प्रयोग हम कर रहे हैं। अभी हमने रिरी गतौ और प्री पालन पूर्णियु ये धातु की प्रक्रिया हमारे बीच में चल रही थी और रिरी धातु के रूप हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब श्री धातु हमारे बीच में आती है। रिरी धातु के लिए कुछ विशेष कार्य हुए थे और प्री धातु में भी कुछ विशेष काम होंगे, कुछ हो गए और कुछ और होंगे, इसलिए सूत्रगत प्री धातु की चर्चा हमें करना चाहिए। लेकिन प्री धातु में कुछ अतिरिक्त काम हम करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्री धातु का प्रयोग हमारे और आपके बीच में अभी कुछ अलग है और उसके लिए एक सूत्र हम आपके बीच में रखेंगे। इसलिए आज सामान्यतः श्री गतौ धातु की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे हैं और ये श्री गतौ धातु भुवादिगण में भी हम पढ़े थे जहां हमने श्री के लिए धाव आदेश किया था और ये श्री गतौ धातु जोहोत्यादि गण की है और जोहोत्यादि गण की धातुओं में द्वित्व आदि कार्य होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं श्री धन्ति अन्विकरणा कर्तरी और जोहोत्यादेश जैसे उस अन्विकरण का लुक जोहोत्यादि नाम सार्व धातु के सूत्र से धातु के लिए द्वित्व करेंगे श्री श्री। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, श्री श्री धन्ति पूर्व में जो रहता है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है और जो अंत में रहता है उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। माने अभ्यास और अभ्यस्त संज्ञा जब द्वित्व हम करते हैं तब ये संज्ञाएं हमको प्राप्त होती हैं। अब पूर्व में जो अभ्यास में रिरी है उस रिरी के स्थान पर आकार करने के लिए हमारे बीच में सूत्र आ गया रिवर्णस्याकाराः। रिवर्णस्याकाराः 735 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है और वो कहता है कि अभ्यास में रहने वाली जो रिरी है उस अभ्यास में रहने वाली रिरी को अकार आदेश होता है। अब हम उसका अनतिक्रमण कर लें, श्री सा धन रिरी धन सा धन रिरी धन्ति। तो जो पूर्व में अभ्यास वाली है उस रिरी के स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा। अब हमारी पोजीशन हो गई सा आ सा रिरी धन्ति। रिवर्णस्याकार सूत्र में पहले वाली रिरी के स्थान पर अकार आदेश कर दिया है। अब अकार आदेश हो जाने के बाद में नामे अंत्य और धातु विकरणे और गुणाहा उस सूत्र से इसको गुण कर दिया जाएगा और गुण करेंगे तो फिर बन जाएगा ससर्ति। ससर्ति प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। ससर्ति प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब द्वित्व बहुत्वोश्च द्विवचन और बहुवचन आदि में यदि हम काम करना चाहेंगे तो उसमें द्वित्व आदि काम सब हो जाएगा और जो रिवर्णस्याकार जो सूत्र है इससे भी रिरी के स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है सा श्री तस द्वित्व बहुत्योश्च परस्मै गुण की प्राप्ति का निषेध इससे हो जाएगा। तो गुण की प्राप्ति का निषेध होने पर बनेगा ससृतः और जब हम बहुवचन में इसका प्रयोग चलाएंगे
अंति प्रत्यय लाएंगे लोपो भेस्ता दंतेना सूत्र से अंति के नकार का लोप कर देंगे और द्वत्व बहुत्व से परस्मै से गुण का निषेध करेंगे तो रम वर्णा। ये सूत्र जो है वो रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा और रिरी के स्थान पर रा होगा द्वत्व आदि काम होकर ससरती सस्रती सस्रति प्रयोग सिद्ध होता है। सस्रति प्रयोग सिद्ध होता है। अब उसके बाद में अब हम प्रत्यय लेकर आते रहे अब हम शेष प्रत्यय लेकर आएंगे। जो गुणी प्रत्यय है उसमें गुण होता है और जो गुणी नहीं है जो गुण होता है एक वचन में गुण होता है तो गुण हो जाएगा और द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है तो उसमें गुण का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर ससर सी अब सी विभक्ति में विशेष काम हमको ये करना है कि यहाँ पर रा है रा के होने पर नामी कर पर प्रत्यय विकारा सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर ससर सी फिर उसके बाद में ससर ससरी था ससरी थ फिर ससरमी सस्रिव और सस्रम प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। सप्तमी विभक्ति में इसको हम चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति में यात आता है यात और यात विभक्ति के आने पर अभ्यास आदि सभी काम हम करेंगे जैसे श्री अनविकरण कर्तरी से अनविकरण फिर जोहोत्यादेश सूत्र से अनविकरण का लुक और उसके बाद में जोहती जोहत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वत्व अभ्यास आदि कार्य और रिवर्णस्याकाराहा इस सूत्र से जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा और अकार आदेश हो जाने के बाद में याद प्रत्यय लेकर आए हैं तो सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो सस्रियात सस्रियात सस्रियाताम सस्रियुः सस्रियातम सस्रियायात सस्रियाम सस्रियाव सस्रियाम इस प्रकार से हमारे प्रयोग सिद्ध होते चले जाते हैं। अब हम पंचमी विभक्ति में चलाएंगे तो जैसे वर्तमाना का प्रयोग हमने सिद्ध किया था उसी प्रकार से ती की जगह तू प्रत्यय लाएंगे श्री धन तू अब श्री को द्वित करेंगे श्री श्री धन तू अनविकरण और अनविकरण का अलुक कर दिया जाएगा और उसके बाद में अब हमारी पोजीशन है श्री श्री तू तो फिर नाम अंत्यो धातु विकर्णयो और गुणाहा सूत्र से गुण कर दिया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ससर तू। अब यहाँ पर आशीषी तुयो स्तातण वा वक्तव्य यदि हम लगाते हैं तो उस तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा तातण के होने पर गुण नहीं होता है ना नकारानुबंध ना नकारानुचक ना नकारानुबंध चक्रिय तयो हो सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा सश्री तात और फिर उसके बाद में ताम में गुण नहीं होता है द्वत्व बहुत्व से परस्मै सश्री ताम फिर नामिनस चोपधाया वो अंति के नकार का अंतु के नपा लोपो भेस्ता दंते नहा
सूत्र से उसके अन का नकार का लोप हो जाएगा और राम वर्ण सूत्र लगेगा तो सतु। इस प्रकार से हमारा प्रयोग सिद्ध होता चला जाता है। सतु फिर सस्री ही और सस्री ही में तो यो स्तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा सस्री तात सस्रीतम सस्रीत। अब यहाँ पर आनी प्रत्यय गुणी है और गुणी गुणी होने के कारण इसको गुण हो जाएगा सभी विभक्तियों में। पिसस राणी बस रसरी वर्णे प्या नोन मंत्या स्वर हेव कवर के पवर्गा अंतरोपी ये सूत्र लगेगा तो नाके स्तन प्रणादित हो जाएगा तो क्या बनेगा सस राणी सस राव सस राम। अब हम दी और सी विभक्ति लेकर आते हैं और दी और सी विभक्ति के लाने पर धातु के आदि में अटकागम होता है। धातु के आदि में अटकागम होता है और दी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है। श्री श्री को दुत्त किया श्री श्री और उसके बाद में अनविकरण का लुक कर दिया और रिवर्णस्या कारा ये सूत्र जो बैठा हुआ है वे अभ्यास में रहने वाले रिरि के स्थान पर अकार आदेश कर देगा और जो अभ्यस्तगत रिरि है उसके लिए नाम्यंती और धातु विकर्ण और गुणा सूत्र से गुण करेगा। अब गुण करने पर हमारी स्थिति है आ सा सा अर और उसके बाद में दा। अपन पीछे सूत्र पढ़े व्यंजना दिश्यो हो व्यंजना दिश्यो कहता है व्यंजन से परे दी और सी का लोप होता है तो व्यंजन क्या है अपने पास में रा तो रा के सामने रहने वाला जो दा है दी है उसका लोप हो जाएगा और रसकारी और भी सृष्टा लगेगा तो बन जाएगा अपना आससाह। फिर द्विवचन में आस अस श्रीताम और उसके बाद में अन विकरण आएगा अन विभक्ति आएगी अन प्रत्यय आएगा तो अन्य उससे जब भ्यस्त विदा दिव्यो भुवा उस सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस आदेश होता है और उसके होने पर गुण हो जाता है। अभ्यस्ता नाम मुसी अभ्यस्ता नाम मुसी सूत्र से उसको गुण हो जाएगा यद्यपि तुत्त बहुत्योस्य परस्मै ही सूत्र से गुण का निषेध होना है लेकिन गुण का निषेध होने के बाद भी उसके होने पर उसको गुण होता है। अब गुण कर दिया जाएगा अपने को हर गुण कर दिया जाएगा किससे गुण करना है अपने को अभ्यस्ता नाम मुसी माने उसके होने पर अभ्यस्त के लिए गुण होता है तो गुण हो जाएगा तो गुण होने पर क्या बनेगा अपना आ स स र और उस यहाँ पर उसका उसमें रा में मिल जाएगा रव व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत और रसकारी और वी श्रेष्ठ तो प्रयोग बन जाएगा हमारा अस अस सरूह और फिर मध्यम पुरुष में सी विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर भी व्यंजना दिश्यो सूत्र से सी का लोप हो जाएगा और श्री श्री को दुत्त करेंगे अनविकरण करेंगे अनविकरण का लुक कर देंगे धातु के आदि में अट तात्वादिर हेस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अटका आगम और नाम्यंते और धातु विकरणे और गुणा सूत्र से गुण करेंगे और फिर उसके बाद में व्यंजना दिश्यो व्यंजन से परे दी और सी का लोप हो जाता है और दी और सी का जब लोप हो जाएगा तो फिर वही रूप बनेगा अस असाह असाह फिर अस श्रीतम
क्योंकि तुत्व बहुत्यो से परस्मै से गुण का निषेध, और फिर असृत, और इसके बाद में अम्विभक्ति आएगी तो गुण हो जाएगा असरम, फिर असश्रिव और असश्रम। इस प्रकार से श्री गतौ, अब ध्यान रखना श्री गतौ ये ज्योत्यादि गण की है इसलिए तत्त्यादि काम हुआ है, और भवादि गण की ये धातु होती श्री धातु, तो वहां पर श्री के स्थान पर धाव आदेश होकर धावती प्रयोग सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमारे श्री गतौ धातु की प्रक्रिया हमारी पूरी होती है। अब हमारी जो पालन पूर्णनी धातु है उसकी प्रक्रिया भी हम आपके बीच में चालू करेंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया हमने क्योंकि रिरी श्री गतौ भी एक साथ दर्शाई गई थी, और प्री धातु के लिए जो सूत्र बताया जा रहा था उस सूत्र का एक अपवाद सूत्र हमारे बीच में और है, उस सूत्र से हमको विशेष काम करना है। तो अगले सत्र में हम पहले प्री धातु की प्रक्रिया को पूरा समझेंगे, और समझने के बाद में फिर उसको हम प्रयोग रूप में बनाएंगे। तो आज श्री गतौ धातु की प्रक्रिया हमने जानी समझी, आज इतना ही काफी है। शेष चर्चाएं पुनः हम अगले सत्र में आपके बीच में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।